यह तकनीक जीवन में सभी प्रकार के डरों से मुक्त होने में आपकी मदद करेगी। और यदि इसका अभ्यास शांति तथा धैर्य के साथ किया जाए तो इसके परिणाम बेहतर मिलते हैं। अतः अब आप एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। आप चेयर, सोफे या किसी आसन पर भी बैठ सकते हैं और फिर दिए जा रहे निर्देशों को कृपया फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बहुत हल्के से बंद कर लें। कल्पना करें कि आपके ऊपर से सोर्स से दिव्य धारा आपके सिर में प्रवाहित हो रही है। महसूस करें। और इस धारा को आप अपने हृदय तक ले जाएं। अब इस धारा को आपके बाहें कंधे की ओर ले जाएं। फिर इसे आपकी बाह की तरफ, बाईं तरफ बाह की भुजाओं में महसूस करें, आपकी कोहनी में महसूस करें। इस दिव्य धारा का प्रवाह कोहनी से होते हुए आपकी कलाई में आ रहा है। कलाई से हाथों में, हाथ से होते हुए आपकी बाईं हाथ की उंगलियों में और उंगलियों से होते हुए उंगलियों के अग्रभाग से बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। महसूस करें कि जब यह प्रवाह चल रहा है तो आपका सारा भारीपन, जटिलताएं, अशुद्धियां और भय इस प्रवाह के साथ आपके पूरे सिस्टम से बाहर जा रही है। सारा भय, सारी जटिलताएं, सारा भारीपन आपकी बाईं बाह से बाहर की ओर फ्लो कर रहा है, निकल रहा है। ऐसे ही बने रहें। इस फ्लो को, इस प्रवाह को अपने बाएं तरफ की फिंगर से बाहर को जाने दें। आप हल्के से महसूस करें कि यह प्रवाह कम हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने सर पर दिव्य धारा की ओर ले जाएं। दिव्य धारा आपके हृदय में सर से प्रवाहित हो रही है और अब इसे आप अपने बाएं धड़ के निचले हिस्से तक लेकर आएं।
महसूस करें कि दिव्य धारा आपके बाएं धड़ के निचले हिस्से तक प्रवाहित हो रही है। अब धड़ से आपकी बाईं जांघ की ओर इसका प्रवाह हो रहा है। बाईं जांघ से घुटने की ओर यह धारा प्रवाहित होते हुए सारा भारीपन, सारी अशुद्धियाँ, सारी जटिलताएँ, सारा भय अपने सर समेटे घुटने से नीचे की ओर आपके बाएं पैर की ओर प्रवाहित हो रही है। बाएं पैर से बाएं पैर की उंगलियों के अग्रभाग से यह दिव्य धारा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। और जब यह प्रवाह चल रहा है तो सारा भारीपन, जटिलताएं, अशुद्धियां और भय आपके पूरे सिस्टम से बाहर जा रहा है। ऐसे ही बने रहें। और सारे भारीपन को बाहर जाने दें। अब हल्के से इस प्रवाह को कम करते जाएं। अब एक बार फिर अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर लाएं। और धारा का प्रवाह आपके हृदय में हो रहा है। अब इस दिव्य धारा को आप अपने दाएं कंधे की ओर मोड़ दें। महसूस करें कि यह दिव्य धारा आपके दाएं कंधे की ओर प्रवाहित हो रही है। दाएं कंधे से दाएं कोहनी की ओर और अब इस दिव्य धारा का प्रवाह कोहनी से होते हुए बहुत प्यार से नीचे की ओर आपकी कलाई की ओर होने लगा है। कलाई से आपकी दाएं हाथ में, दाएं हाथ की उंगलियां और उंगलियों के अग्रभाग से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगा है, जिससे सारी भारीपन, जटिलताएं,
अशुद्धियाँ, सारा भय आपके दाएं हाथ की उंगलियों से बाहर निकल रहा है। आप हल्के से इस प्रवाह को कम कर दीजिए। अब यही प्रक्रिया आपके दाईं तरफ से आपके दाईं धड़ की ओर दिव्य धारा को प्रवाहित करना है। महसूस करें कि दिव्य धारा हृदय से होते हुए आपके दाईं धड़ में प्रवेश कर रही है और इसका प्रवाह दाईं धड़ से नीचे की ओर दाईं जांघ की ओर होने लगा है। बहुत कोमलता से यह धारा दाईं जांघ से नीचे दाईं घुटने की ओर प्रवाहित हो रही है। दाईं टांग के दाईं घुटने से नीचे पैर की ओर इसका प्रवाह होने लगा है। पैर से होते हुए पैर की उंगलियों से और उंगलियों के अग्रभाग से यह दिव्य धारा का प्रवाह बाहर की ओर फ्लो करने लगा है। और जब यह धारा उंगलियों से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है तो सारा भारीपन, सारी अशुद्धियाँ, सारी जटिलताएं, सारा भय आपके पूरे सिस्टम से बाहर जा रहा है। जब यह ऊर्जा आपके दाएं पैर के अंगूठे से प्रवाहित हो रही है तो बाएं पैर के अंगूठे के भारीपन को भी हटाएं। अब इस प्रवाह को कम कर दें अब यह प्रवाह बंद हो गया है। और आपका पूरा शरीर सभी भय और जटिलताओं से मुक्त हो गया है। महसूस करें कि आप पूरी तरह शुद्ध हैं।
और इसी के साथ शांति से बैठें। कहीं भी पूरे शरीर में आपको लगे कि भारीपन कहीं लग रहा है तो इस प्रक्रिया को फिर से एक बार दोहरा सकते हैं। अब आप पूरी तरह हल्के हैं। अब आप अपनी आँखें खोलें।